नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोनाली के पीए सुधीर सांगवान की। बता दें कि सुधीर सांगवान को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लगातार परिवार इस मामले में सुधीर सांगवान के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, क्योंकि परिवार को ये भरोसा है कि सीबीआई जांच के बाद शायद वाकई पता चल पाएगा कि किस वजह से सोनाली फोगाट के खिलाफ ये पूरी साजिश रची गई, इसके पीछे की वजह क्या थी। क्योंकि अभी तक गोवा पुलिस ने लगातार छानबीन की, कई जगह पर रेड भी डाली, लेकिन इन 11 दिनों से सुधीर सांगवान गोवा पुलिस के रिमांड में है, लेकिन अभी तक ये नहीं साफ हो पाया है कि आखिरकार सुधीर सांगवान ने किस मंशा से, किस रीजन की वजह से सोनाली फोगाट के खिलाफ ये साजिश रची, जिसकी वजह से अब परिवार को ऐसा लग रहा है कि शायद सोनाली फोगाट का केस धीरे धीरे दब सकता है और आरोपी शायद छूट सकते हैं। तो इसी को लेकर अब यहां पर सोनाली फोगाट के परिवार के बाद हिसार की खाप महापंचायत ने बड़ा कदम उठाया है। क्या है वो कदम, चलिए अब आपको बताते हैं। बता दें कि आने वाली 11 सितंबर को हिसार की खाप महापंचायत जाट धर्मशाला में एक महापंचायत करने वाली है। जी हां, तो अब इस महापंचायत में सोनाली फोगाट केस को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। इसके साथ सुधीर सांगवान समेत उन तमाम आरोपियों को लेकर भी मांग की जाएगी कि 11 दिनों से पुलिस कस्टडी में है ये आरोपी, लेकिन अभी तक पुलिस ये नहीं बता पाई कि आखिरकार क्यों सोनाली फोगाट के खिलाफ इस पूरे साजिश को अंजाम दिया गया। बता दें ढाका खाप पंचायत के सरपंच दिनेश ढाका ने अब ये मांग की है कि 11 दिन हो चुके हैं सुधीर सांगवान और सुखविंदर को गोवा पुलिस के रिमांड में, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सोनाली फोगाट के खिलाफ ये पूरी साजिश क्यों रची गई। इसके साथ लगातार जिस तरह से गोवा पुलिस छानबीन तो कर रही है, लेकिन सबूत क्या हाथ लग रहे हैं और साथ ही उन सबूतों के बाद अब ये केस किस मोड़ पर जाकर रुकेगा, इस पर भी पुलिस की ओर से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। इसके साथ दिनेश ढाका ने ये भी बताया कि इस महापंचायत में इस बात पर भी फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी, साथ ही उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है कि अब सोनाली फोगाट के परिवार के साथ जिस तरह से ढाका खाप पंचायत एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, साफ तौर पर सोनाली फोगाट के केस में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।